खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज पर दिन भर की बड़ी खबरें। राहुल गांधी ने केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर 5 करोड़ गरीब परिवारों को मिनिमम इनकम गारंटी देने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस स्कीम के तहत हर गरीब परिवार को 72,000 रूपए सालाना देंगे। कांग्रेस कल चुनावी घोषणा पत्र जारी कर सकती है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CBI से 2 हफ्ते में बताने को कहा है कि उसने दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में क्या कार्रवाई की है। मामले में 12 साल पहले कोर्ट ने जांच का आदेश दिया था। चुनाव आयोग ने कहा है कि वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान को बढ़ाकर 50% करने की जरूरत नहीं है, इससे समय और संसाधन की बर्बादी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को इस पर हलफनामा देने को कहते हुए 21 विपक्षी पार्टियों की याचिका पर सुनवाई सोमवार 1 अप्रैल के लिए टाल दी है। मुलायम सिंह यादव के सगे छोटे भाई अभय राम के दामाद और धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश प्रताप सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। वहीं पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम और उनके पोते आश्रय शर्मा सोमवार को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। अमेरिकी हेलीकॉप्टर चिनूक आज विधिवत रूप से भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो गए। खास बात यह है कि अमेरिकी नेवी सील कमांडोज ने चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ओसामा बिन लादेन को खत्म करने वाले नेपच्यून स्पीयर ऑपरेशन में किया था। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।